हरे मटर का सीजन अब ख़त्म होने वाला है। अगर आपने अभी तक हरे मटर की सब्ज़ी नहीं बनाया तो समझिए सर्दियों में आपने कुछ भी नहीं खाया। तो ऐसे ही आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, हरे मटर और आलू से बनी बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब सब्ज़ी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल फ्रेश मटर, ये बिल्कुल ताज़ी मटर है। तो छिलके हटा करके हमने एक कप के करीब मटर ले लिया है और मटर को हमने धो भी लिया है, तो मटर बिल्कुल फ्रेश है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मटर की सब्ज़ी आपने आज से पहले ना तो देखा होगा ना ही बनाया होगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा आज का ये रेसिपी। तो सबसे पहले मटर को हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसे हमने बारीक नहीं पीसा है, 2 चम्मच पानी डाल के इसे हमने दरदरा पीस लिया है, कुछ इस तरीके से आप सामने से भी देख सकते हैं। अब उसी जार में हम कुछ मसाले ग्राइंड कर लेंगे। एक बड़े साइज़ के टमाटर को हमने कट करके ले लिया है, 4 हमने लिया है हरा मिर्च, 5 से 6 हमने लिया है लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, 1 चम्मच डालेंगे साबुत धनिया, 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को साइड में रखेंगे। अब हमने जो मटर को दरदरा पीस के रखा था उसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू को हमने मैश कर लिया है छिलके हटाने के बाद, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे सरसों का तेल। तेल डालने के बाद 1 चम्मच की मदद से हम मिश्रण को मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक को भी हम अच्छे से मिला लेंगे मिश्रण में। तो सारे मिश्रण काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा तैयार है। तो अब चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया था एक बर्तन में। अब उस बर्तन पे हम रखेंगे इस तरीके का छन्नी, जाली वाला छन्नी हम रखेंगे, और छन्नी को हम अंदर से तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो मिश्रण है चिपके ना। आलू और मटर के मिश्रण को हमने जो तैयार करके रखा था तो हम कुछ इस तरीके से छन्नी के ऊपर डालते जाएंगे। तो इसे मैंने गोल शेप दिया है, आप अपना तरीके से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो एक बार में ही हमने सारे मिश्रण को छन्नी के ऊपर रख दिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखते हुए इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। जब तक मिश्रण पक रहा है तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गैस पर मैंने एक बर्तन रखा है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जितना तेल डाला है। तेल को पहले हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक काट के ले लिया था उसे भी हम डाल देंगे। अब प्याज को हमें कंटिन्यू चलाते जाना है और इसे हमें 2 मिनट तक पका लेना है। 2 मिनट हो चुका है दोस्तों, प्याज को अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जार को क्लीन करते हुए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब मसाले को हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। जब तक मसाले के ऊपर तेल रिलीज नहीं हो जाता है तब तक मसाले को हम पकाएंगे। प्याज को हमने 2 मिनट तक ही फ्राई किया था, उससे क्या है कि मसाले में काफ़ी अच्छे से प्याज जो है गल जाएंगे, इसीलिए हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया। तो मसाले ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तेल ऊपर रिलीज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1 गिलास के करीब हमने पानी डाला है। अब इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी हम गर्म मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है तो ये मिश्रण काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, देख सकते हैं। तो सारे मिश्रण को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब मैंने गैस पे रखा है 1 पैन, अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, 2 चम्मच के करीब हमने तेल डाला है। अब मिश्रण ठंडा होने के बाद इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। तो ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, बस इसी पे हल्का गोल्डन कलर आ जाए बस ऐसे ही हमें मिश्रण को पका लेना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, इससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने मिश्रण को थोड़ा फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो ग्रेवी में ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करके डालने से बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो उधर हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। अब जो मिश्रण को हमने फ्राई करके रखा था, तो देख सकते हैं एक एक करके हमने सारे मिश्रण को डाल दिया है ग्रेवी में। डालने के बाद हम 1 मिनट तक पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे, और 1 मिनट के लिए हम गैस को बंद करते हुए ढक करके छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना लजीज स्वादिष्ट ये हमारा आलू मटर का सब्ज़ी बनके तैयार हो चुका है। मैं इसे आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो बस आलू मटर की सब्ज़ी के साथ गर्मा गर्म पराठा मिल जाए तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बिना किसी को बताए कोई बता ही नहीं सकता है कि ये आलू और हरे मटर की लजीज सब्ज़ी है।
जितना देखने में कमाल है दोस्तों उतना ही स्वादिष्ट है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली में इसे शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में।